छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में मतदान जारी है। वोटर्स प्रदेश के 151 नगरीय निकायों के 2,844 वार्डों के लिए पार्षदों का चुनाव करेंगे। कांग्रेस और 15 साल बाद विपक्ष में बैठी भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पहली बार कई शहरों में त्रिकोणीय मुकाबले की भी स्थिति बनी हुई है। पहली बार निकाय चुनाव में जोगी कांग्रेस आम आदमी पार्टी अपना भाग्य आजमा रही है। दोनों दलों के उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस चाहे जैसा हो, लेकिन जीत हार वाली सीटों पर ये नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 16 साल बाद यहां फिर बैलेट पेपर पर मतदान हो रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा और कलेक्टर एस भारती दासन ने भी अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। सुबह 10 बजे तक रायपुर में 18% मतदान हो चुका था। रायपुर के 70 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस बार बैलेट पेपर के माध्यम से नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। रायपुर की 70 वार्डों की बात करूं तो 1128 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। मैं भी वार्ड क्रमांक 32 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में हूं। यहां पर युवा बल्कि महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में मतदान करने इस मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो लोकतंत्र के प्रति उत्साह है वो साफ लोगों के चेहरे में झलकता यहां पर नजर आ रहा है। वोट तो हम इसलिए डाले, हमारे यहाँ एक ही मुद्दा है कि पानी हमारे यहाँ काफी भरता है। बरसात के महीने में कम से कम 4 फीट 3 फीट हम लोग राजा तालाब नई बस्ती के एरिया में रहते हैं और जब पानी भरता है तो हमारे को बहुत डर लगता है कि अब तब में हमारे घर में घुस जाएगा, काफी सामान और अनाज नुकसान हो जाता है। और मुद्दा हमारे यहाँ ऐसा है कि अभी आवारा कुत्ते इसके इस कदर है कि बहुत ज्यादा आतंक मचा के रखे हैं। अभी हाल में ही 5-7 लोगों को काटे हैं, कई लोगों को नगर निगम में भी जाके बोले गए हैं, महापौर को भी बोले हैं, पार्षद जी को भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और इसकी समस्या हल नहीं हो रही है। हमारी बस एक ही समस्या पूरी होनी चाहिए कि हमारे राजा तालाब में इतना पानी भरता है कि सभी परिवार के लोग मतलब बहुत नुकसान, सबके घर के में नुकसान हो जाते हैं। समस्या तो वही है पानी का, चारों तरफ से पानी हमारे राजा तालाब में आ रहा है और पानी निकलने का निकासी कहीं नहीं है। अभी नया पुल बना है उसको चौड़ा कर दिए, आगे में जाके नाला पूरा सकरी है। इस वार्ड की तस्वीर मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, इस मतदान केंद्र की मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं जानता हूँ कि पब्लिक जो है, जनता जो है, वो एक मतलब अपना रुझान जो दिखा रही है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा रुझान दिखा रही है और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। कितना आश्वस्त है आप? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि पब्लिक, जनता, मेरे माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देंगे, आश्वस्त हूँ मैं। ये लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी कमरान अंसारी हमारे साथ थे, दावे उनके हैं और जीत के लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। यहाँ पर वर्तमान बात की जाए तो इस वार्ड में बीजेपी के पार्षद थे, हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी जब हमने वार्डों का भ्रमण किया था वहाँ पर भी निकल कर सामने आई थी, लेकिन आज मतदान हो रहे हैं। 24 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि आखिरकार जनता किसको चुनती है। कैमरामैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।